खाना बना रहे हैं? आज इसको साथ क्या बना रहे हैं? आज आज लाहौरी विंग्स बना रही हूं। लाहौरी विंग्स? लाहौरी विंग्स जी, लाहौरी तो मेरे खिलाफ से थे, लाहौरी को मसाला खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके आज की रेसिपी मैंने शाम को किया और बेकिंग साइड पे ये इसको मैं तो नहीं बना सकते हूं, क्योंकि ये स्वाद से और ये चिकन 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 के विंग्स हैं। और उसमें मैंने बेसन लिए एक कप और साथ में लिए मतलब आधा किलो के बराबर होगा वो बेसन, कौन सा भी उसकी क्वालिटी सेम हो जाए तो ठीक है, वरना आप एक कप ले लो। और साथ में एक अंडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, रेड चिली है, साथ में क्रश चिली है, ग्रीन चिली है, जीरा है, कसूरी मेथी, सब दो दो चम्मच कौन सी सेम है, और लेमन जी साथ ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो कलर ऐड किया, कलर थोड़ा सा कलर अच्छा है, हाँ जी थोड़ा मैंने कहा ज़्यादा टेस्ट भी आएगा अच्छा, और ये जब जब डिस्प्ले करेंगे तो येलो कलर का होगा मैं इसको मतलब बहुत अच्छे लगेंगे, तो वो बस जब इसको महसूस किया कि मसाले जो आपके तेज होते हैं तेज होते हैं, अच्छा थोड़ा लाइट कर दूँ, थोड़ा सा लाइट दे, कौन जो है वो इनके मेरे अब कहाँ है, मैंने पहले लाइट बनाए थे तो फिर मैंने कहा कि वो बहुत वैसे मैं मिर्च की बना थी, तो मिर्च थोड़ा तीखापन होता है इस तरह से थोड़ा सा आपको हो गया, लेकिन आप उसमें लाइट है क्योंकि मिर्च आपको पता है आपने तीखे बन गया था काफ़ी बहुत मशहूर है, तो इस वजह से इसका मैंने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रेड चिली और ग्रीन चिली का आपने क्वेश्चन भी किया था तो मैं ऑनलाइन भी बताती हूँ, लेकिन उसका ये था कि जो ग्रीन चिली है हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो पानी छोड़ देती है, जो रेड चिली की है वो स्टोर कर देती है, इसको लोग पुराने जमाने से खुश करते थे और फिर उसके बाद वो मतलब लॉन्ग लाइफ है तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं, और वैसे भी ब्रश का इस्तेमाल जो होता है मेडिसिन में भी होता है जो पेन रिलीवर होती है, तो ये काफ़ी मतलब वो जो उसके अंदर के दाने होते हैं मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वाइट वाइट जो होते हैं जी हाँ, वो उसकी वजह से आदमी कैंसर से भी महसूस रहता है, और उसकी जो कैप्सूल है इसके अंदर एक कैप्सूल होती है कि जो कि आपको दर्द है फास्ट और आपको टेम्परेचर है फास्ट जल्दी मतलब मैं सुखा हो जाता है, लेकिन आज आप मिसाले कम रखते हैं, मैं आज कम रखती हूँ, मुझे पता चलिए कि आपके मसाले और टोटल फायदा भी हमारे ईरानी दूर भी है, ये भी कभी खाना चाहिए, ईरान वाले तो मसाले बिल्कुल यूज ही नहीं करते, उसके लिए मैं ये बताता चलूँगा कि ईरान में बिल्कुल स्पाइस यूज ही नहीं यूज नहीं होता, तभी देखिए आप माशाल्लाह कैसे घोड़े देते हैं हमारे घर में, वैसे स्पाइसेस का ज़्यादा इसका इस्तेमाल तो हमारे यहाँ सबसे पहले कोलंबस लेकर आए थे ना अमेरिका से, वहाँ से फिर आया और फिर पूरी दुनिया में उसको मुताबिक कराया, इसलिए मैक्सिकन फूड अमेरिकन ज़्यादा स्पाइसी जगह से होते हैं, हम लोग तो ईरान के बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, ये अदरक जो है वो इसीलिए इसकी वजह ये भी है कि अदरक जो है वो फिर उसको एक तरह से बैलेंस कर देती है, क्योंकि वो हीलिंग का काम करती है आपके लिए, जिसको मिर्च फौरन लग गया ना वो अदरक यूज़ कर रहे हैं उसकी मिर्च का एहसास फौरन खत्म हो खत्म हो जाए, क्या कहते हैं मुझे सर हिजरत हुई दोस्तों।